हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा स्पेस के मेंस के करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। अब देखिए, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज स्पेस बेस्ड इंटरनेट। देखिए, स्पेस बेस्ड इंटरनेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इफ यू रिमेंबर, स्पेस एक्स ने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दैट वॉज नोन एज स्टारलिंक, जिसके बारे में आज ही हम बात करेंगे। वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब क्या है हमारा स्पेस बेस्ड इंटरनेट, उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्पेस बेस्ड इंटरनेट इज द अबिलिटी टू यूज सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू रिसीव एंड सेंड डेटा। देखिए, अभी भी हम सैटेलाइट का ही यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट, बट हम जनरली कौन सी सैटेलाइट्स यूज करते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमें अगर जो स्पीड है इंटरनेट की वो बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे अर्थ को इनसर्कल करके बैठी हैं टू रिसीव एंड सेंड दी डाटा। सो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या बोल देते हैं बच्चे, स्पेस बेस्ड इंटरनेट, राइट। सो ऑल्दो द सैटेलाइट इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, द स्पेस बेस्ड इंटरनेट इज मच फास्टर। जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट है वो ज्यादा फास्टर है, तभी मैं बोल रही हूँ सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, लेकिन स्पेस बेस्ड इंटरनेट क्या कर सकता है, इसको बहुत ज्यादा फास्टर कर सकता है। ठीक है जी, बेनिफिट्स बच्चे क्या होंगे, नंबर वन, यू कैन गेट द ग्लोबल हाई स्पीड इंटरनेट। नंबर टू, इट रिप्लेसेस द फाइबर। फाइबर का मतलब क्या है, आपने देखा होगा फाइबर केबल्स डलवानी पड़ती हैं आपको हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, तो वो फाइबर आपको नहीं लगानी पड़ेंगी, कोई भी खर्चा उस पे नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज नंबर टू। नंबर वन क्या था, ग्लोबल हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता है। नंबर थ्री, यहाँ पर कंसिस्टेंट सिग्नल्स रहेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे जहां पर भी हिली टेरेन है, क्योंकि वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स जो आपकी फाइबर्स हैं वो नहीं जा सकती, उसकी वजह से वहां पर जो इंटरनेट की क्वालिटी है दैट इज वेरी लो। ठीक है, सो यहां पर आपको कंसिस्टेंट सिग्नल्स मिल सकते हैं एंड बेटर परफॉर्मेंस। ये चार चीजें हैं विच आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट ओवर द सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है जी, चैलेंजेस क्या है बच्चे फेसिंग द स्पेस बेस्ड इंटरनेट, इज नंबर वन, लेटेंसी। अब आप समझिए, ध्यान से समझिए लेटेंसी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सैटेलाइट है, ये ट्रांसमिटर है जिसने इंफॉर्मेशन भेजी, ये सैटेलाइट क्या करेगी, इसको ट्रांसमिट कर देगी कहां तक, रिसीवर तक, हाँ कि ना। अब जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर से लेकर रिसीवर तक पहुंची, कितने टाइम में पहुंची, उसको बोलते हैं बच्चे लेटेंसी। ठीक है, सो जितनी लेटेंसी कम होगी उतना एफिशिएंट आपका इंटरनेट है, बात समझ गए। सो लेटेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनेट स्पीड, राइट। अगर आप कहते हैं इंटरनेट स्पीड बहुत तेज है, इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच गई, ठीक है, विदाउट एनी डिले, उसको बोला जाता है लेटेंसी। नाउ रीड द डेफिनेशन, लेटेंसी इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू ट्रैवल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, सो यहां पर क्या है, एंड अगेन दोबारा वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, High latency will result in your video lagging as you watch from your computer. अगर किसी चीज की latency ज्यादा है, इसका मतलब वो information travel करने में ज्यादा time ले रही, right? Number two क्या हो सकता है, fiber optic internet boasts a latency of only a few microseconds per kilometer. In contrast, when you are beaming to a geostationary satellite such as those most commonly used for current, latency जो है वो 700 microseconds होती है। So ये challenges हैं कि यहाँ पर latency actually में क्या है, increase हो सकती है। So हमें space based internet क्यों नहीं use करना चाहिए, number one, क्योंकि इसकी latency can increase, right?
नंबर टू क्या है, स्पेस जंक बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्पेस जंक का मतलब क्या है, देखिए अगर मुझे स्पेस बेस्ड इंटरनेट यूज करना है तो मुझे बहुत सारी सैटेलाइट्स आपके लो अर्थ ऑर्बिट में घुमानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल इंटरनेट मिल पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब क्या, हजारों सैटेलाइट्स आपको स्पेस में भेजनी पड़ेगी। जब आपको हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेजनी पड़ेगी, दैट मींस वहां पर स्पेस जंक इकट्ठा हो जाएगा, हाँ कि ना। सो जब आपका स्पेस जंक इकट्ठा हो जाएगा तो इट कैन लीड टू कोलिजन्स। सो ये क्या है, एक डिजास्टर भी हो सकता है। सो इट विल लीड टू स्पेस जंक, इंक्रीज इन द स्पेस जंक। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। अकॉर्डिंग टू नासा ने भी यही बोला है कि ये एक्चुअली में क्या कर सकता है, बहुत सारे कोलिजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट्स आपको स्पेस में भेजनी होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है बच्चे, टेक्निकल चैलेंजेस हो सकते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देर आर टेक्निकल चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस। अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी आ गया ही है, दैट इज द SpaceX, जिसने बोला है हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे हर एक नूक एंड कॉर्नर, हर एक एरिया में इंटरनेट पहुंच जाएगा वर्ल्ड के। ठीक है, सो ये देख सकते हैं बच्चे, दैट इज स्टारलिंक। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है बच्चे, SpaceX का है। उन्होंने क्या कहा है कि हम जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो जनरली क्या करेगी, आपको लो अर्थ ऑर्बिट, कैन यू सी दिस अर्थ, दिस इज द अर्थ, यहां पर देख सकते हैं सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, वो सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स भेज दी जाएंगी जो एक्चुअली में आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, दैट इज द इंटरनेट। ठीक है, कन्वेंशनली वैसे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बच्चे कहां पर भेजते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक्चुअली में बहुत दूर है, दैट इज 36,000 किलोमीटर दूर। ठीक है, सो वहां से एक्चुअली में क्या है, आपका सिग्नल इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, अर्थ के बिल्कुल आसपास बहुत सारे सैटेलाइट्स भेज सकते हैं जो एक्चुअली में क्या करेंगे, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज द स्टारलिंक प्रोजेक्ट ऑफ SpaceX, जो कि एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें क्या कहा गया है कि हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करें। ठीक है जी, सो कंक्लूजन क्या है बच्चे, डिस्पाइट दी चैलेंजेस स्पेस बेस्ड इंटरनेट इज मूविंग एट फुल पेस, फुल फोर्स विद न्यू एडवांसमेंट्स इन अकरिंग रैपिडली। देखिए नई एडवांसमेंट्स तो होंगी ही बच्चे, अब क्या हो सकता है कि जो भी इसकी लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस को एड्रेस कर लिया जाए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है, अगर आप सोचिए हर एक नूक एंड कॉर्नर तक इंटरनेट पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, हाँ कि ना। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी इसके चैलेंजेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम ज्यादा फोर्स से इंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पेस बेस्ड इंटरनेट। थैंक यू वेरी मच।